तो दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ये सीजन पाकिस्तान में खेला जाने वाला है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने मिलकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पूरा शेड्यूल पूरी तरह से घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे में चैंपियन ट्रॉफी 2025 की शुरुआत किस तारीख से होने वाली है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कुल कितने टीम रहने वाले, कितने मुकाबले खेले जाने वाले, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला किस तारीख को होने वाला है, इंडिया का पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपको ये सभी जानकारी देने वाले। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बन रहे। तो आप भी चैंपियन ट्रॉफी के एक बड़े वाले फैन, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वही आप चैंपियन ट्रॉफी 2025 से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। तो फ्रेंड वीडियो में बढ़ते आगे, चैंपियन ट्रॉफी 2025 की शुरुआत हमें 19 फरवरी से होने वाली है। 19 फरवरी से लेकर हमें 9 मार्च तक में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ये सीजन पाकिस्तान में खेला जाएगा। जहां चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सीजन में कुल 8 टीम रहने वाली है। 8 टीम हमें कुल 2 ग्रुप में डिवाइड रहने वाले। एक ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, ये 4 टीम हमें ग्रुप ए में देखने को मिलने वाला है। वही ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और इंग्लैंड, ये 4 टीम ग्रुप बी में देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2024 के लिए आईसीसी ने पूरा कार्यक्रम पूरी तरह से घोषित कर दिया गया है। जहाँ चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पूरा शेड्यूल जान लेते हैं। जहाँ चैंपियन ट्रॉफी 2024 का पहला ही मुकाबला हमें 19 फरवरी को खेला जाएगा। वह ये मैच हमें न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। वह ये मुकाबला हमें कराची में देखने को मिलेगा। वह चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला हमें 20 फरवरी को बांग्लादेश बनाम इंडिया के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। वह ये मुकाबला हमें लाहौर में देखने को मिलेगा। वह चैंपियन ट्रॉफी का तीसरा मैच हमें अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। वह यह मुकाबला में कराची में देखने को मिलेगा। बाकी का शेड्यूल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे। जहाँ चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सीजन में कुल 15 मुकाबले खेले जाने वाले, जिनमें से 12 मुकाबले ग्रुप स्टेज के देखने को मिलेंगे और 2 मुकाबले सेमीफाइनल देखने को मिलेंगे और 1 मुकाबला में फाइनल मुकाबला देखने को मिलने वाले। ऐसे मिलाकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सीजन में कुल 15 मुकाबले खेले जाने वाले। तो ऐसे में चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सीजन में भारतीय टीम का पूरा शेड्यूल जान लेते। जब भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाली है। वही यह मुकाबला हमें लाहौर में देखने को मिलने वाला है। ये भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला में 23 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाली है। वह यह मुकाबला में लाहौर में देखने को मिलेगा। भारतीय टीम का तीसरा मुकाबला में 1 मार्च को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाली है। वह यह मुकाबला भी लाहौर में देखने को मिलने वाला है। जब भारतीय टीम के सभी मुकाबले दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाला है। ये थी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से जुड़ी सभी जानकारी। वही आपको क्या लगता है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सीजन में कौन सी टीम रहने वाली है, जो चैंपियन टीम बनने वाली है, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वही आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।